हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर आ गए हैं छतरपुर, जो कि हम लोग गए थे तो फिर हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, तो सेकंड टाइम पे आए हैं लड्डू के पापा और उनके फ्रेंड। तो वो पहले गए थे सागर, फिर सागर से बस में उन्होंने 6 घंटे का सफ़र किया क्योंकि उनको ट्रेन का कोई नॉलेज नहीं था। फिर वहाँ जाके पता चला कि वहाँ ट्रेन भी चलती है, वहाँ स्टेशन भी है। तो वो फिर स्टेशन आए हैं छतरपुर। ये लौटते टाइम का वीडियो है। ये आते टाइम तो सागर से होते हुए आए थे, तो काफ़ी लंबा पड़ गया था। तो फिर बाद में पता चला कि कमलापति स्टेशन से ही ट्रेन बनती है छतरपुर के लिए, जो कि छतरपुर स्टेशन नहीं है, छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल को स्टेशन का नाम अब हो चुका है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया था पहले। बट अब पहुँच के लड्डू के पापा को सब पता चल गया है कि कैसे क्या ट्रेन रहती है। तो फ्रेंड्स, रात के बजे थे 3 और जब लड्डू के पापा एंटर हो रहे थे मंदिर में, और छतरपुर से 45 मिनट का रास्ता रहता है, ऑटो से गए थे गढ़ा के लिए। तो हमें यहाँ पर अर्जी नहीं लगानी थी, सिर्फ हमें बालाजी सरकार के दर्शन करने थे। तो लड्डू के पापा ने दर्शन कर लिए थे बहुत अच्छे से। और यहाँ देखिए कितने सारे नारियल हैं जो कि श्रद्धालुओं ने अपनी अर्जी के तौर पर यहाँ लगाए हुए हैं। सभी कपड़ों में हैं, कुछ लाल हैं, कुछ पीले हैं, कुछ काले हैं, जो कि अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी अर्जियाँ हैं उसके हिसाब से लगाए हुए हैं। हमें कोई अर्जी नहीं लगानी थी, सिर्फ हमें बालाजी के दर्शन करने थे। और यहाँ आज इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि आज का दिन था रविवार, भीड़ रहती है। शनिवार और मंगलवार को काफ़ी भीड़ रहती है। ये देखिए नारियल, और ये देखिए चमत्कारी पेड़, जो कि है अभी यहाँ पर किसी को जाने नहीं देते, अलाउ नहीं किया है वहाँ पर। वहाँ समाधि है उनके गुरु की, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उनके गुरु की समाधि है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर अभी नहीं थे, उनकी कथा चल रही है टीकमगढ़ में। गुरु जी के भी दर्शन करने थे बट वो यहाँ थे नहीं, और अब देखते हैं कभी नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ आएंगे लड्डू के पापा, मतलब हम लोग जाएंगे। तो जब वो होंगे यहाँ गढ़ा में धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब ही, क्योंकि मुझे तो उनके दर्शन करने ही हैं, एक बार तो देखना है लाइफ में उनको। और यहाँ पर हो रही है बालाजी सरकार की आरती, जो कि लड्डू के पापा की किस्मत में उनको आरती भी मिल गई थी। ये सब किस्मत की बातें रहती हैं जो कि मिल जाती हैं भगवान के दर्शन। रास्ते में लड्डू के पापा जब यहाँ से निकले थे तो उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, फिर भी उनको ट्रेन मिल गई। जैसे ही ट्रेन मिली और वो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। तो बस यही है, छतरपुर गढ़ा से बुलावा आ गया था लड्डू के पापा के लिए, तो उन्होंने दर्शन कर लिए बालाजी सरकार के।